अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर के प्लेटफॉर्म से मैं हूं साकिब चावला। आज हम जो वीडियो बनाने के लिए यहां पे आए हैं, ये है बहरिया टाउन कराची का फ्यूचर बिजनेस हब, या फिर इसको बोल दें कि इन्वेस्टर के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अच्छा, मैं अपनी बात 3-4 पॉइंट्स के अंदर आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी होगी कि ये किस तरीके से इन्वेस्टर के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सबसे पहला पॉइंट, मिडवे कमर्शियल क्या है? मिडवे कमर्शियल बहरिया टाउन ने अपने कस्टमर्स के लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दी है जहाँ पे हर तरह की कमर्शियल एक्टिविटीज हो सकती हैं। यहाँ पे ऑफिसेस से लेके, यहाँ पे ब्रांड से लेके, तरह तरह के ब्रांड्स यहाँ पे आ चुके हैं, और हर तरह की डॉक्टर या फिर कोई और भी किसी भी किस्म की कमर्शियल एक्टिविटी के लिए मिडवे कमर्शियल है। अच्छा, मिडवे कमर्शियल बेसिकली दो जगह पे डिवाइड हुआ है, मिडवे ए और मिडवे बी। इनके बीच में बहरिया का हेड ऑफिस है, और यहाँ पे मिडवे ए और मिडवे बी में जो कटिंग कमर्शियल प्लॉट के लिए बहरिया ने दी है वो है 125 गज़ की कटिंग, लेकिन तकरीबन एक्स्ट्रा लैंड के साथ साथ ये जो है ना 133 गज़ की कटिंग बन जाती है। इसमें बहरिया ने एक ये फैसिलिटी दी है कि आपकी 125 गज़ की कटिंग पे आप ग्राउंड प्लस 6 बना सकते हैं, और अगर डबल प्लॉट के साथ आप कोई कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो ग्राउंड प्लस 8 भी आप बना सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, अच्छा अब इसकी सराउंडिंग की और इसकी लोकेशन की बात करते हैं। अच्छा, लोकेशन की बात ये है कि इसके ये मेन गेट से, बहरिया टाउन के मेन गेट से तकरीबन 5 किलोमीटर के फासले पे है, और इसी तरह अगर ड्राइव देखा जाए तो 4-5 मिनट की ड्राइव पे आप मिडवे कमर्शियल ए में भी आ जाते हैं, बी में भी आ जाते हैं। इसकी जो सराउंडिंग है वो बड़ी ज़बरदस्त है। इसकी सराउंडिंग में लिबर्टी कमर्शियल पड़ता है, इसकी सराउंडिंग में रिसेंट 4 पड़ता है, बहरिया हिल्स भी इसकी सराउंडिंग में आता है, तो एक तरीके से ये मिड के अंदर वाक़े है। बहरिया टाउन ने मिडवे कमर्शियल में बहुत सी फैसिलिटीज़ दी हैं, जिनमें सबसे अच्छी फैसिलिटी जो है वो पार्किंग की फैसिलिटी है। अगर कंपेयर करें हम जिना एवेन्यू के कमर्शियल पट्टी पे, तो उससे कंपेयर करते हैं तो यहाँ मिडवे कमर्शियल में हमें बहुत अच्छी पार्किंग की सहूलत मिलती है। इसके अलावा यहाँ पानी, बिजली, इसका भी 24/7 यहाँ पे चीज़ें मौजूद हैं। इसके अलावा सिने गोल्ड यहाँ पे एक्टिव है, और यहाँ पे डेली बेसिस पे मूवीज़ भी लगती हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक मस्जिद है जो मस्जिद सरवर के नाम से मशहूर है, और यहाँ पे ये स्टेट ऑफ द आर्ट इसका मस्जिद का पूरा स्ट्रक्चर है, और माशाल्लाह से यहाँ पे कंटिन्यू नमाज हो रही है। चौथा और आखिरी पॉइंट जो इसका मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो है इन्वेस्टर्स के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्यों है। इन्वेस्टर के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी इस तरह है कि जब बहरिया टाउन ने इसको लॉन्च किया था तो तकरीबन ये 1.5 करोड़ रुपए की लॉन्चिंग प्राइस पे आई थी। उसके बाद 3-4 साल गुजरे हैं, अब अगर आप कोई प्लॉट लेना चाहते हैं तो प्लॉट की कीमत तकरीबन 3.25 से 3.5 करोड़ रुपए की बनती है। ज़्यादातर इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे प्लॉट ख़रीदा है, और प्लॉट ख़रीद के उसके ऊपर ग्राउंड प्लस 6 की बिल्डिंग्स बनाई हैं और उसको रेंट आउट किया है, और रेंट आउट यहाँ पे इतना ज़्यादा फास्ट है कि यहाँ पे अगर आप कोई रेंट के लिए चीज़ लेने जाते हैं तो नहीं मिलती। तो ज़्यादातर इन्वेस्टर्स ऑफिसेज ख़रीद लेते हैं, उसको रेंट करते हैं। ग्राउंड का यहाँ पे रेंट तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए का बनता है, और अगर आप कंपेयर करते हैं इसको कि यार कहीं और हम रेजिडेंट में चले जाते हैं किसी भी विला पे, तो इतना ज़्यादा रेंट किसी का नहीं बनता इतनी अमाउंट के अंदर। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो कि इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और उनके लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो मिडवे ए या बी में अपनी इन्वेस्टमेंट लगाएं।
मिडवे बी के रेट अभी काफ़ी मेच्योर हो चुके हैं, अभी भी उसके अंदर चांस है कि वो मेच्योर हो सकते हैं, लेकिन मिडवे ए के रेट अभी भी काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल हैं कि आराम से हम कोई अगर चीज़ लेना चाहते हैं तो हम उसके अंदर से ले सकते हैं। अपनी वीडियो को यहाँ पे हम एंड करेंगे और आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मेरा नंबर है 0300-111-7932। कोई इंक्वायरी, कोई मज़ीद इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए हो तो मुझसे रابطہ करिएगा। बहुत शुक्रिया।